सत श्री अकाल जी, मैं गणेश शर्मा एनकाउंटर टीवी आदमपुर तो। अज असी आदमपुर के नाल लगते भीषम सर आश्रम थानू लैके आ रहे हैं, जिहदा इतिहास पांडवा के नाल जुड़िया होया है। आओ आप आश्रम में जाके इस बारे गलबात करते हैं तो इस बारे जानकारी लेने। महाभारत, मैं स्वामी कमलपुरी, यहाँ पे 2003 से मैं रहता हूँ। महाभारत के वन पर्व के अनुसार यहाँ पे जो वर्णन आता है उसके अनुसार है कि जब पांडवों का अज्ञातवास चालू हुआ तो अज्ञातवास बिताने के लिए एक साल दसुआ में रहे। उस समय उस दसुआ का नाम राजा विराट की नगरी के नाम से जाना जाता था। और एक साल बिताने के बाद जब उनका अज्ञातवास पूरा होने के समय आया तो दुर्योधन ने एक चाल चली थी ताकि उनका पता चल जाए कि वो अज्ञातवास कहाँ पे रह रहे हैं। तो उसमें उसी समय राजा विराट का एक साला था जिसका नाम था कीचक। वो द्रौपदी को बड़ी गलत दृष्टि से देखता था जिसके कारण भीम ने उसका वध कर दिया था। और कीचक को ऐसा वरदान था कि उसको धरती पे केवल 5 ही लोग मार सकते थे कि जिसमें दुर्योधन का नाम था, द्रोणाचार्य का नाम था, भीष्म पितामह का नाम था और अश्वत्थामा का नाम था, और पाँचवा जो थे वो भीम का नाम था। जब कीचक का वध हो जाता है ये बात सारी फैल जाती है। फिर दुर्योधन अपना दिमाग लगाता है और वो सोचता है कि हम चार लोग तो हम हस्तिनापुर से बाहर गए नहीं, एक भीम ही केवल बाहर है, तो इसका मतलब जहाँ पे कीचक का वध है भीम वहीं पे हुए हैं। अगर भीम वहाँ पे हैं तो पांडव भी वेश बदल कर वहीं पे रह रहे होंगे। तो उसने एक युक्ति चली उसके लिए कि उसने राजा विराट की सारी जितनी गायें थी उसका अपहरण कर लिया और यहीं पास में जिसका नाम आज गोलपिंड है वहाँ पे बांध दिया और राजा विराट को संदेशा भिजवाया यदि आपको अपनी गाय चाहिए ताकि हमारे से युद्ध करें, क्योंकि उसको विश्वास था कि राजा विराट उससे युद्ध में जीत नहीं पाएंगे। और जब भी अगर राजा विराट की सुरक्षा के लिए पांडव लोग अगर इनके पास होंगे वो इनके सुरक्षा में आएंगे और हम युद्ध विराम कर करके पांडवों को पकड़ लेंगे और फिर से उनको 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास के लिए भेज देंगे। उस वजह से उसने सारा प्लान रचा। जब राजा विराट के यहाँ संदेश आ गया तो राजा विराट कहीं और युद्ध के लिए गए हुए थे। उनका बेटा था उत्तर, वो घबरा जाता है तो युधिष्ठिर उसको कहते हैं कि तुझे घबराने की ज़रूरत नहीं, तो बृहन्नला को ले जा, जो उस समय अर्जुन बृहन्नला के रूप में उनके पास रह रहा था, कि इसको वरदान है कि जिस युद्ध में भी जाता है वो उसको उसकी विजय प्राप्त होती है। उत्तर यहाँ पे बृहन्नला को लेके आता है। अर्जुन दुर्योधन ने केवल एक युक्ति ही रची थी उस चीज़ के लेके और वो देखते ही पहचान जाता है बृहन्नला ने, जो बृहन्नला के रूप में अर्जुन ही हैं। तो शोर मचाने लग जाता है कि भाई हमें युद्ध नहीं करना, तुम्हें मैंने पहचान लिया, तुम अपने वास्तविक रूप में आ जाओ। अर्जुन वास्तविक रूप में आकर के उसको कहते हैं हमारा अज्ञातवास पूरा हो गया है। दुर्योधन मानता नहीं कि हमारा अज्ञातवास पूरा हो चुका है। उस समय फिर दुर्योधन भीष्म पितामह को आगे कर देता है, क्योंकि भीष्म पितामह कभी झूठ नहीं बोलते थे, और भीष्म पितामह को कहता है कि आप बताओ कि अज्ञातवास इनका पूरा हुआ कि नहीं पूरा हुआ। भीष्म पितामह कहते हैं दुर्योधन तो मेरी बातें मानता नहीं है। तो वहाँ पे वो यही स्थान पे वो गंगा जी को प्रकट करते हैं और गंगा जी से पूछते हैं कि माता आप बताएं कि इनका अज्ञातवास पूरा हो गया कि नहीं पूरा हुआ। तो माता कहती हैं कि बेटा हमारे यहाँ दो तरह के मास चलते हैं, एक सौर मास एक चंद्र मास। चंद्र मास के अनुसार जो है इनका अज्ञातवास पूरा नहीं हुआ है, सौर मास के अनुसार इनका अज्ञातवास पूरा हो चुका है। जिस धरती पर तुम लोग खड़े हो यहाँ पर सौर मास का प्रचलन है, इसके अनुसार इनका अज्ञातवास पूरा हो चुका और ये युद्ध कर सकते हैं। तो उस टाइम अर्जुन फिर ये मान लेता है हमारा अज्ञातवास पूरा हो गया है और वो युद्ध का निर्णय करते हैं। अर्जुन एक ही बाण में सारे पांडवों को कौरवों को बेहोश कर देता है। जब भीष्म पितामह को होश आता है तो भीष्म पितामह से माँ गंगा पूछती हैं कि बेटा तूने मुझे प्रकट कर दिया है, तब मैं जहाँ पर प्रकट होती अपना कोई ना कोई निशानी छोड़ जाती हूँ, तो यहाँ मैं क्या छोड़ूँ। भीष्म पितामह फिर कहते हैं कि माता आप यहाँ प्रकट हो गई तो आप अपनी एक धारा के साथ यहाँ पे वास करें और जो लोग हरिद्वार अस्त्र लेके नहीं जा सकते उनके अस्त्र आप यहीं से स्वीकार करेंगे। तब से यहाँ के लोग, पंजाब के लोग यहाँ पे अस्त्र डालने लग गए और इसका नाम जब पांडवों का अज्ञातवास पूरा हो गया तो वापस हस्तिनापुर जाते हुए उन्होंने यहाँ पे एक रात्रि विश्राम किया और इस सरोवर का निर्माण किया। शिवाला जो स्थान है अभी आदमपुर में है, हाँ ये आदमपुर में पड़ता है, तो इसका निर्माण किया। और उनका नियम था जब भी वो कहीं पे रुकते थे वो शिवलिंग की स्थापना करके उसका पूजन करके फिर आगे बढ़ते थे। तो यहाँ पे वो अपने हाथ से शिवलिंग की स्थापना करते हैं और भीष्म पितामह के नाम से इसका नाम भीष्मसर सरोवर, भीष्मसर नाम रखते हैं कि, और ये हमारे महाभारत के वन पर्व में भीष्मसर तीर्थ के नाम से विख्यात हो जाता है।
और कुछ इसके बारे में आप बताना चाहते हैं? और तो क्या है, बाकी तो सब लोग आप लोग जानते ही हैं कि अपने पंजाब में दो ही प्रकार का दो ही तीर्थ हैं, एक राम तीर्थ है और दूसरा भीष्मसर तीर्थ है। अच्छा। हमारे हिंदू ग्रंथों के अनुसार ये भारत को आप अभी यहाँ जो स्थान है आदमपुर में, तो यहाँ हमने बताया आस्त भी लोग करते हैं, तो एक तो माँ गंगा का यहाँ हुआ है, ठीक है, उसके बारे में थोड़ा दोबारा बताइए हमें। यहाँ पे भीष्म पितामह जी ने जो प्रकट किया था माता गंगा को, और उन्होंने वरदान मांगा था कि आप हमेशा यहाँ पे वास करेंगी, और यहाँ कहा जाता था प्राचीन लोग जो यहाँ के लोकल लोग हैं कि यहाँ पे बैसाखी वाले दिन माँ गंगा स्वयं प्रकट होती थी, इसलिए हम बैसाखी का बहुत बड़ा मेला का आयोजन करते थे। लोग इस समय कहते थे कि बैसाखी वाले दिन यहाँ एकाएक रात को इतना पानी आ जाता था कि आसपास का इलाका डूब जाता था, तो गवर्नमेंट ने पानी निकालने के लिए छोटी सी नहर भी निकाली थी उस टाइम कि यहाँ का पानी ओवरफ्लो हो और नहर से बाहर चला जाए, तो यहाँ का बड़ा वो। मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ के जो लोग हिंदू धर्म के हाँ मतलब कोई भी मान्यता के अनुसार जो धार्मिक भावना रखते हैं और जिनके अनुसार आप जो आपके इस चैनल के माध्यम से जिनको इस समय पता चलता हो, यहाँ एक बार और आएँ और यहाँ के विषय में देखें, यहाँ के जो मेन महाराज जी यहाँ पर जो हवन होता है उसके बारे में थोड़ा विस्तार। यहाँ पे जब भी कोई शुभ मुहूर्त आता है यहाँ पे हवन किया जाता है और भगवान की कृपा से जितने लोग वो यज्ञ में बैठते हैं उन सबकी मनोकामनाएँ आज तक यहाँ सबकी पूरी हुई हैं, और हम कोशिश करते हैं कि साल में एक यज्ञ हम यहाँ पे विशाल यज्ञ जरूर